हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हिंदी के चैप्टर 5 जिसका नाम है मिठाई वाला और जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। मिठाई वाला एक मर्मस्पर्शी कहानी है। मर्मस्पर्शी का मतलब हृदय को छूने वाली। और इस कहानी का मुख्य पात्र है फेरी वाला, जो हर 6-8 महीने में आकर गलियों में घूम घूम कर बच्चों को लुभाने वाली चीज़ें बेचता है। कभी वह खिलौने बेचता है, कभी मुरली तो कभी मिठाई। वह इन चीज़ों को अपनी सुरीली आवाज़ में गा गा कर बेचता है। बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर ही दौड़े चले आते हैं। वह बच्चों से आत्मीयता भी रखता है, यानी वो बच्चों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह कम पैसों में भी बच्चों को सामान दे देता है। इस बार वह मिठाइयाँ लेकर आया था और इसमें एक पात्र है रोहिणी, जो दादी से कहकर यानी उस रोहिणी अपने बच्चों को मिठाइयाँ दिलवाने के लिए दादी से कहकर यानी अपनी सास से कहकर मिठाई वाले को बुलवाती है। रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर जाना पहचाना लगता है, इसलिए वह दादी से पूछवाती है कि वे पहली बार यहाँ आए हैं या पहली भी आ चुके हैं। इस पर मिठाई वाला कहता है कि वह पहली भी आ चुका है। और तब रोहिणी फिर से पूछवाती है दादी से कि वह पहले भी मिठाइयाँ ही बेचा करते थे या फिर कुछ और। मिठाई वाला बताता है कि मैं पहले खिलौने बेचने आया था, फिर बांसुरी और इस बार मिठाइयाँ बेचने आया हूँ। इसके बाद रोहिणी पूछती है कि तुम्हें इन व्यवसायों से भला क्या मिलता होगा, यानी इन अलग अलग व्यवसायों को अपनाकर वह इतना क्या कमा लेता होगा कि उसका उसकी जीविका चल सके। तो मिठाई वाला बोलता है कि बस यही खाने भर को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता, परंतु धीरज, संतोष और असीम सुख अवश्य मिलता है। कैसे? इन बच्चों के साथ मिलकर। रोहिणी के बार बार पूछने पर मिठाई वाला बताता है कि मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मेरे पास भी मेरा व्यवसाय, घर, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी सब थे, लेकिन और सोने की तरह मेरे बच्चे भी थे, लेकिन समय की मार, विधाता कब क्या कर जाए किसी को कुछ नहीं पता, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। अंत में वे होंगे तो यहीं कहीं, यानी वो दूसरे बच्चों में अपने बच्चों को ही ढूंढता था और संतोष प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार ये कहानी आशावादी दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच का संदेश देती है, क्योंकि मिठाई वाले, खिलौने वाले या मुरली वाला कह लो आप, उसको एक आशा थी कि अगर मैं इन बच्चों को खुश रखूँगा तो मेरी आत्मा को भी संतोष मिलेगा और कहीं ना कहीं इन बच्चों में भी मैं अपने बच्चे ही देखता हूँ। ओके, तो यहाँ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।